नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। काजू और बादाम के दाम में उछाल, काजू में 100 और बादाम में 150 रुपए प्रति किलो बढ़त। मुद्रा बाजार में रुपए में आई तेजी, 2 पैसे मजबूत होकर 74.17 रुपए प्रति डॉलर पर रुपया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी मुद्रा की तुलना में दुनिया की प्रमुख मुद्रा में आई तेजी से मिले समर्थन के बल पर आज अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 74.17 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। रुपया पिछले दिवस 74.19 रुपए प्रति डॉलर पर रहा था। रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 74.15 रुपए प्रति डॉलर पर खुला और यही इसका दिवस का उच्चतम स्तर भी रहा। सत्र के दौरान यह 74.28 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर तक लुढ़का। अंत में यह पिछले दिवस के ही तुलना में 2 पैसे मजबूत होकर 74.17 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। किराना बाजार में ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम के दाम में बढ़त का सिलसिला जारी है। जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले अगस्त के पहले सप्ताह में काजू और बादाम के दाम में 100 और 150 रुपए प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है। बाजार में बादाम 820 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, वहीं काजू 740 रुपए पर है। आमतौर पर काजू और बादाम के दाम बराबर ही रहते हैं, लेकिन इस साल कैलिफोर्निया से आवक कम होने के कारण बादाम के दाम में अच्छा उछाल देखा जा रहा है। व्यापारियों द्वारा काजू और बादाम के दाम में और उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बता दें कि शहर में जुलाई माह में काजू 660 रुपए प्रति किलो और बादाम के दाम 650 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थे। जुलाई के अंत तक बादाम के दाम भी काफी उछाल देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। माल एवं सेवा कर जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को अब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त से उनके ईवी बिल ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी का प्रबंधन करने वाली इकाई माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन ने इस संबंध में करदाता को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सिस्टम GSTR 3B फॉर्म या GST CMP 08 दाखिल करने के स्टेटस की जांच 15 अगस्त से शुरू करेगा और जून 2021 तक 2 या इससे अधिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के ई वे बिल जारी करने से रोक दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ई वे बिल को जारी करने से रोक जाने से बचने के लिए करदाता को लंबे GSTR 3B रिटर्न या CMP 08 तत्काल दाखिल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। एक्सिस बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 1 मिलियन से ज्यादा ग्राहक सेवा का लाभ उठा रहे। एक्सिस बैंक ने जनवरी में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी और तब से व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए उसके ग्राहक आधार में मजबूत ऑर्गेनिक वृद्धि देखी गई है। बैंकिंग के इस सरल और सुविधाजनक रूप ने ग्राहकों के बीच 13,000 रुपए से अधिक की औसत दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या के साथ एक बड़ी स्वीकार्यता देखी है, जबकि औसत मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या 0.2 मिलियन तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। बैंकों की ओर से चालू खाता करंट अकाउंट खोले जाने को लेकर सर्कुलर लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI ने साल 2020 में जारी किए गए चालू खातों पर नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को अक्टूबर अंत तक का समय दिया है। नियामक ने पहले इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की थी। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। काजू और बादाम के दाम में उछाल, काजू में 100 और बादाम में 150 रुपए प्रति किलो बढ़त। मुद्रा बाजार में रुपए में आई तेजी, 2 पैसे मजबूत होकर 74.17 रुपए प्रति डॉलर पर रुपया। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।